बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम जी। असद मैसूर बिनते फातिमा ओल्ड होम में मौजूद हूँ। आप तमाम लोगों को जुमा मुबारक हो। आज का दिन इंशाल्लाह बिनते फातिमा ओल्ड होम की माएँ अगले हफ्ते सेम ये जुमा जो है मस्जिद नबवी में होंगी इंशाल्लाह। और आज इन माओं के लिए जो है जुमे की खास जो है वो दावत का बंदोबस्त किया गया। अल्लाह ताला उनको ढेर सारा अजर दे, जजा दे, अल्लाह बहुत बहुत नवाजे। क्या क्या इसके अंदर फ़जाना माँ से भी पूछेंगे और माओं से भी जो है वो इंशाल्लाह उनसे भी पूछेंगे कि आज का दिन वो इंशाल्लाह जुमे के रोज़ जो है मस्जिद नबवी में होंगे इंशाल्लाह, और उनकी क्या खुशी है, क्या उनके जो हैं तासरात हैं, वो भी इंशाल्लाह से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम, जुमा मुबारक आपको। मेरी तरफ भी सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सबको जुमा मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर मुबारक। माशाल्लाह इंतहाई जो है खूबसूरत कीमा है, कीमा है। और अच्छा, क्या क्या आज खाने में मुझे बताइएगा हाल जुमे के दिन। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। तो मुझे बताइएगा कि किस तरह से जो है माशाल्लाह इन माओं के लिए जो है ये आज समझ लें कि आज का दिन जो है जुम्मे का वो रोज़ा रसूल पे इंशाल्लाह होगा इनका। आपके क्या जज्बात हैं, आपके क्या तासरात हैं? बस टाइम जो है वो गुजर नहीं रहा। हाँ जी हाँ, एक अजीब सी अलग सी खुशी है। हाँ, एक इस तरह कदम रखेंगे और मेरे से ज्यादा ना उन माओं को खुशी है। हाँ, अभी तक उनको यकीन नहीं आ रहा, अभी तक नहीं आ रहा। सही बात है। बस अल्लाह पाक कबूल करे, आमीन कर दिया होगा। आमीन। उन्होंने जो मेहनत की है और मेहनत कर भी रहे हैं आप, बेशक इनके लिए सोच रहे हैं आप, बेशक बेशक। यानी कि दो दिन रह गए या फिर भी आप यही कोशिश कर रहे हो तो कुछ हो जाए, कुछ हो जाए, शामिल हो जाए, जो रह गए वो भी शामिल हो जाए। बेशक ऐसे ही है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बस जो जो उधर भी रहते हैं मक्का मदीना में जो लोग रहते हैं वो भी देखते हैं, वो भी यही कहते हैं कि हमारी तरफ से भी शामिल हो किसी तरह। ऐसे हैं जो यूरोप में रहते हैं और वो कहते हैं कि आप कौन सी तारीख को आ रहे हो, हम भी वहाँ पे मौजूद होंगे। माशाल्लाह, मक्का आ रहे हैं, हम इन माओं को वहाँ मिलेंगे। हाँ, बड़ी बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये वो तजस्सुस, वो कोशिश है नेकियों की जो कि आप लोग कमा रहे हैं। बेशक बेशक। तो मुझे बताइएगा, बेशक तो मुझे बताइएगा आज माशाल्लाह खाने में क्या क्या है इनके लिए जुमे के दिन। पुलाव है। अच्छा माशाल्लाह। जी जी। और साथ में कीमा है। अब अच्छा। कोरमा मैंने इसलिए नहीं रखा कि कोरमा तो चलता रहता है। जी जी सही बात है। नहीं, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसके साथ जो है माशाल्लाह एक पार्सल भी रिसीव हुआ है, वो भी जो है बाकी जो सर्व भी करते हैं तो सब माओं से भी जो है डिस्कस करेंगे। इनकी जो है माशाल्लाह खूबसूरत सी प्लेट जो है यहाँ पे लगना शुरू हो गई है। हाजरा फातिमा जी, अस्सलाम वालेकुम, जुमा मुबारक आप सब लोगों को, जुमा मुबारक, खैर मुबारक। वाजी वाह, कैसे हैं सब? ठीक हैं माशाल्लाह, खैर खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसी हैं आप, ठीक हैं जी? नफीसा आपा जो है, जो कि सब जितने लोग जा रहे हैं माशाल्लाह उम्रे पे माएँ, उनकी जो है सेहत का वो भी थारे देख रहे हैं, किसी को चेकअप की नीड है। तो नफीसा आपा, तो खैरुन्निसा आपा जो है कल इनका कोई दांत का था, वो ट्रीटमेंट करवाया तो अभी बात नहीं कर पाएंगी, ऐसे ही है। चले अल्हम्दुलिल्लाह, अब ठीक है, तबीयत बेहतर है, दांत का दर्द ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह सफ़र बड़ा अच्छा गुजरेगा इंशाल्लाह। तो बाकी लोग भी जो हैं, लग रहा है कि अगला जुमा जो है इंशाल्लाह रुबीना आपा जी जी मस्जिद नबी में होगा इंशाल्लाह आपका, इंशाअल्लाह माशाल्लाह। के साथ आपके साथ लोगों की दुआओं के साथ बिल्कुल इंशाल्लाह। आप बता आपा, अगला जुमा इंशाल्लाह आपका मस्जिद नबी में होगा। तो आपको लग रहा है कि दिन गुजर गए हैं जल्दी से या गुजर नहीं रहे टाइम? गुजर गए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलें जी, बाकी ये सारे जो हैं वो जज्बात हैं माशाल्लाह सबके। ये जो पार्सल आए दिखाएगा इसमें क्या है माशाल्लाह, ये मियाँ वाली से जो है एक बेटे ने इन माओ के लिए जो है ये पिछले साल भी भेजा था। पिछले साल भी ऐसे ही भेजा था जी जी, और पिछले साल भी मैं इनको पहना के यहाँ से लेके गई। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा क्या क्या है इसके अंदर? इस पे पूरा ये उम्रे का ये दाने हैं, तस्बीह है उसकी, तवाफ की कैप है। अच्छा माशाल्लाह। साथ ये वाला एहराम टाइप है जो नमाज पढ़ने। अच्छा माशाल्लाह। हाँ दिखाइएगा कोली कितने बड़े साइज का। हाँ फातिमा दिखाओ दिखाओ दिखाओ, फातिमा दिखाओ, ये कैप थी। अच्छा एक अच्छा यहाँ से मैं देख लेता हूँ। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा ये इसकी कैप है ऊपर। अच्छा ये जो इसकी कैप है। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा ये जो है वो यहाँ से पिछले साल भी उन्होंने जिम्मेदारी उठाई थी और जी जी नहीं, लो, नहीं।
जी जी, क्योंकि वो उन्होंने जाना है ना, तो इसलिए पाक ले गए। अच्छा, तो इस साल भी माशाल्लाह उन्होंने, हाँ बड़ी बात है, बड़ी बात है जी, पार्सल जी रिसीव हुआ है, आमीन बिल्कुल। और जो जो लोग शामिल हुए हैं, यकीन करें कि किसी ने अगर टिकट के भी अखराजात किए हैं जिस, तो यकीन करें सब की जो है वो साथ, मेरा ख्याल है शमूलियत होगी। हम कहेंगे ना कि उनके लिए दुआ करें जाके, मेरा ख्याल उन्होंने तो दुआएं सारी ले ली हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। पिछले साल जब हम लोग जाने लगे तो आपदा जो थी ना, आपदा ये नई नई आई थी, कुछ महीने ही हुए थे, तो हम लोग जब निकलने लगे तो ये इन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और आंसुओं के साथ ये रोई और कहने लगी कि मुझे साथ लेके जाओ, मुझे साथ, मैंने जाना है। तो मैंने इनको बहुत प्यार किया और कहा कि इंशाल्लाह अगले साल, अब तो हम लोग जा रहे हैं, तो कहने लगी कि वादा करें क्या मुझे अगले साल लेके जाएंगी। तो मैंने फिर वहाँ जाके भी बहुत दुआएं की और पूरा साल मैं करती रही कि या अल्लाह इनको इतनी जिंदगी देना ताकि ये ना उम्रा करके आ जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक साल बड़े आराम से गुजर गया और अब माशाल्लाह ये जा रही है। और इसी तरह अपना खालदा कह रही है, क्योंकि खालदा की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, तो इसलिए हमने बोला कि थोड़ी स्टेबल हो जाए, तो इंशाल्लाह इसी तरह मैं दुआ फिर करूंगी वहाँ जाके कि अल्लाह इनकी भी जो बाकी सुकून दे। बिल्कुल बिल्कुल, आपदा आंटी ऐसा ही था, पिछले साल आप इंतजार कर रहे थे और जो है, हाँ हाँ, देखिए अल्लाह ने कैसे जो है वक्त गुजार दिया, पल भर में गुजर गया ना, ऐसा लग रहा है। हाँ ऐसा कब लग रहा है, वक्त लंबा हुआ, इंतजार की घड़ियाँ तो लंबी होती। हाँ सही बात है, है ना, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। चले अच्छे दिन तो आए, आ गए ना, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे दिन तो आ गए, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। नादरापा आप क्यों उदास बैठी हैं? चले मैं उनको फोर्स कर रहा हूँ, मैं उनको कॉल भी कर रहा हूँ, इंशाल्लाह ज़रूर मिलने आएंगे, ठीक है। अगर तो भाई कोई वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ ज़रूर मिलने आए, नादरापा और भी लोग हैं जो बहुत परेशान है, तो प्लीज़ आप मिलने हैं उनके उम्रे पे जाने से पहले। खुश यही है ना कि मेरा अपना मुझे इतनी बड़ी अल्लाह खुशी दे रहा है, जी इतनी बड़ी खुशी दे रहा है, तो अपने अपने तो अपने मिलने आए, मिलने और वो बहुत ज़्यादा याद कर रही है। इसी तरह खैर उन्नी साहब भी बहुत याद कर रही है कि जो बेटा मेरा मेरे पैसे ले लेता था हज के उम्रे के, हाँ जी, हाँ जी। तो अब मैं जा रही हूँ तो मुझे मिलने ही आ जाए और देखे कि अल्लाह मुझे बुला रहा है, और ना कोई पैसों की जरूरत है, ना किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, लेकिन मिलने आ जाए। नादरा भी इसीलिए परेशान है कि कोई तो आए मेरी खुशी में शामिल होने के लिए, क्योंकि अपने अपने तो अपने होते हैं। बेशक बेशक, अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, अगर देख रहे हैं तो इसी नेकी में शामिल हो जाए। इसी बिल्कुल, नेकी बिल्कुल में शामिल हो जाए, ताकि वो ज्यादा वहाँ जाके अल्लाह को आपकी शिकायतें ना करें, अल्लाह को शिकायतें ना करे जाके अपनी, वो मुझे मिलने नहीं आए, मिलने नहीं आए। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, इस नेकी में शामिल हो जाए और इनको खुश करके भेजे। अच्छा रो नहीं, आएंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह 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 आएंगे। मैंने भी उनसे बोला, रोई नहीं। अल्लाह पाक उनको भी सलामत रखे जो रिश्ते अल्लाह ने बनाए हैं। बेशक परेशान नहीं हो ना, खुशी जाए। आप उनके लिए दुआ करें जो जो भेज रहे हैं, जिन्होंने आपके इंतजाम किए, वही है बेटियां हैं, बेटे हैं, अल्लाह पाक उनकी दुआओं को कबूल करे। और दिल से करती हूँ उनके लिए दुआ। नहीं नहीं सब लोग करते हैं, आप सब लोग करते हो, मुझे पता है, मैं तो आपके पास होती हूँ ना, मुझे पता है कि आप सब लोग करते हो। बस अब रोना नहीं। हाँ देखें, अगले जुम्मे इंशाल्लाह मस्जिद नबी में होंगे आप, ठीक है। देखें कितनी बड़ी खुशी है ये कि इसी दिन सेम अगला जुम्मा मस्जिद नबी में होगा, तो बस खुश रहें, ठीक है। मेरी उनसे अरे जी वो उदास होंगे इंशाल्लाह। चले रोहिन इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे, ठीक है। मैं दोबारा से फिर कोशिश कर, वैसे कर भी रहा हूँ, फिर करूँगा कि वो फिर आए मिलने, ठीक है। कम से कम अभी भी दिन है, तो दोबारा से फिर आए, तो बस ये देखें सब चीज़ें जो हैं वो खुशियाँ अपनी जगह चल रही हैं, लेकिन एक जो अपनों का जो एक थोड़ा सा जो गैप रह जाता है, उस गैप को मैं, फरजाना माँ, बिनते फातिमा, हम लोग मुकम्मल नहीं कर सकते। तो वो उस गैप को मुकम्मल करने के लिए आपसे हाथ भी जोड़ते हैं, मिन्नत समाजत भी करते हैं। अभी कोई पैसों की ज़रूरत नहीं है, कोई फाइनेंशियली इनको ज़रूरत नहीं है राइट नाउ, सिर्फ और सिर्फ जो इनके अपने हैं वो अगर दो मिनट के लिए सिर्फ शक्ल भी दिखा देंगे तो इनको ऐसा लगेगा कि जैसे हमारी वो मुकम्मल हो गया। तो उस गैप को मुकम्मल करने के लिए प्लीज़ आप आके इनसे मिलें। नादरा आप हैं, खैरुन्निसा हैं और भी हैं, मैं
मैं क्या आप उनसे जो उनके नाम आपसे शेयर करूं, तो बस ज़रूर मिलिए ताकि वो जाते जाते जहाँ जहाँ कदम रखें आपके लिए दुआएं करते रहें। उनके लिए तो जाएंगी जाएंगी कि जो शामिल हुए इस कारवां में, तो इंशाल्लाह 7 तारीख को महफिल नात भी रखी जा रही है उनके लिए, जब लाहौर और इस्लामाबाद की माएँ भी इंशाल्लाह ज्वाइन कर लेंगी, तो उनकी भी खुशी एजाज़ के लिए मुझे अंदाज़ा है हो सकता है उनके भी ना मिलने आए हो, लाहौर वालों की कुछ माएँ हैं इस्लामाबाद की, उनके भी कुछ अपने उनको मिलने नहीं आए, लेकिन हम 7 तारीख को उनको ये खुशी का एहसास देंगे कि हम आपके अपने हैं, ये सब आपके अपने हैं, वो एहसास देंगे इंशाल्लाह। और 7 जो तारीख है इसका जो महफिल का मकसद यही होता है कि जो लोग इस आखिरी दिन में अपनी मदद पहुंचाना चाहें वहाँ पर कुछ खाने पीने के मामलों में या रियाल की मद में भी मदद कर सकते हैं, ताकि वहाँ जो अखराजात हैं जो वहाँ के जो इन हाउस जो वहाँ के जो उम्रे के दौरान के अखराजात हैं उनको भी आसानी से मुकम्मल किया जा सके। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, स्पेशली पैगाम उन लोगों के लिए कि जो माएँ जा रही हैं उनके अपने उनसे मिलने आएँ। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह खैर, अल्लाह मालिक है, दिल बुरा नहीं कीजिएगा, ठीक है। हाँ अल्लाह अल्लाह मालिक है, देखें ना अल्लाह अपने घर बुला रहा है ना आपको, तो सोचें कि क्या मुकाम है आपका इंशाल्लाह। अल्लाह बहुत बड़ा है बेशक, देखें ये दिन भी दिखाए तो इंशाल्लाह अच्छे दिन भी शुरू हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, जज़ाकअल्लाह खैर।